उत्तराखंड सरकार विलुप्त हो चुके इन पौराणिक चारधाम मार्ग को खोजने की शुरुआत कर चुकी है। एक वो समय था जब बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। यात्रा ऋषिकेश से आरंभ होकर अलग अलग पड़ाव में पूरी हुआ करती थी। उन दिनों बद्रीनाथ और केदारनाथ पर आने वाले श्रद्धालु यह यात्रा लगभग एक महीने में पूरी कर पाते थे। फिर वक्त बदला और यात्रा के रास्ते भी नए हो गए, लेकिन SDRF की टीम को उन विलुप्त हो चुके चार धाम मार्गों को खोजने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे दोबारा उन पौराणिक मार्गों को प्रयोग में लाया जा सके। देखिए, हमने SDRF की दो टीमों को बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के पौराणिक रूट्स मार्गों पे भेजा है। उसका वो पूरा सर्वे करेंगे, स्टडी करेंगे, हर तरह से सर्वेक्षण और अध्ययन करेंगे। जो आप जानते हैं, जो पैदल रास्ता होता था पहले, यात्रा को लगभग एक महीने की यात्रा माना जाता था, तो उन पे इनको भेजा है कि वो कितना अभी फंक्शनल है, कितना नहीं है, और क्या क्या, इवन वो जो है इसमें कल्चरली भी इसको देखेंगे, पौराणिक रूप से भी देखेंगे, वहां पे कौन से स्थान पड़ते हैं, कौन से मंदिर पड़ते हैं, क्या उसका वो है। तो ये दो टीमों को भेजा है हमने सर। तो इससे अभी तो एक तो यही है कि वो एक अल्टरनेटिव रूट है, उसकी ऑप्शन सामने आनी चाहिए अगर कभी बाय चांस मेजर रूट वो होता है तो। और दूसरा ये है कि मे बी आजकल जैसे मैकेनाइज्ड लाइफ हो गई है, सारे रास्ते मोटर के हो गए हैं, और कोई लोग ट्रैकिंग के थ्रू फिर से करना चाहें, एक प्रकार से एडवेंचर टूरिज्म कम पिलिग्रिमेज हो सकती है, कि तीर्थ यात्रा भी है और इधर एडवेंचर भी है, कि आप पौराणिक रास्तों से, पैदल रास्तों से जो है वहां पे जा रहे हैं, तो ज्यादा जो एडवेंचर फ्रेंडली लोग हो सकते हैं वो इनको यूज कर सकते हैं। क्या संभावना है सर इस यात्रा में? यार तो नहीं, अभी तो हम इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, फिर अगर कुछ लगेगा तो टूरिज्म विभाग इसको आगे डेवलप भी कर सकता है। SDRF का सहयोग जी, SDRF के कोई टीमें भेजी है हमने। तो उत्तराखंड सरकार इन पौराणिक मार्गों को 2013 की आपदा से पहले ही खोज निकालती तो शायद आपदा के वक्त कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था, क्योंकि सड़क मार्ग टूटने से उस वक्त लोग रास्ते भटक गए थे, जिसके कारण भटकते भटकते जंगलों में ही खो गए थे। बहरहाल देर से सही, लेकिन ये प्रयास शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन पौराणिक मार्गों की खोज पूरी हो पाएगी। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।